बहुत बहुमत से सरकार बनने जा रही है, अब हमको सपने देखने से नहीं रोक सकते। जो क्रिकेट जैसा रंग बदलते हैं उनका कितना साथ देती है जनता, 50,000 वोट से जीतेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं गुड़ विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं गुड़ के वर्तमान विधायक और दो बार यहां से विधायक रह चुके हैं नागेंद्र सिंह जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। वो अभी चूंकि जनसंपर्क कर रहे हैं तो जनसंपर्क के दौरान ही हम उनसे बातचीत करके चुनावी हालात के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे ही हम मुलाकात करते हैं तो हम बातचीत करते हैं और आपके हिस्से के सवाल भी हम पूछेंगे। इस बार चुनाव में कैसा माहौल दिखाई दे रहा है? आप देख लीजिए स्वयं, ये जो वोट कम पड़ गए थे, इस बार क्या रहेगा? पिछली बार वोट कम पड़ गए थे, मतलब कम वोटों से आप जीते थे? कम वोटों से नहीं, 10,000 वोट से जीते थे भैया। इस बार क्या आंकड़ा रहेगा? इस बार कम से कम 50,000 वोट से जीतेंगे। इस बार 25,000 वोटों से रिकॉर्ड जाएगा, इस बार बिल्कुल टूट जाएगा। और चुनावी मैदान में पिछली बार सपा के उम्मीदवार थे, इस बार वही कांग्रेस के उम्मीदवार बन करके आए हैं, तो कितना फायदा मिलेगा उनको? अब ये जनता देखेगी जो क्रिकेट जैसा रंग बदलते हैं उनका कितना साथ देती है जनता। दल बदल की राजनीति पर प्रहार, बिल्कुल बिल्कुल। और मध्य प्रदेश में क्या हाल रहेगा? आप वरिष्ठ विधायक रहे हैं और इस बार मंत्री पद की भी आस है गुड़ को आपसे। मंत्री पद तो देखिए मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है जी। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बहुमत से सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस तो बहुत दावे कर रही है, अब हमको सपने देखने से नहीं रोक सकते जी। और आज का आपका यहाँ रायपुर करचुलियान का दौरा है, इससे पूर्व जो है तो और कौन से क्षेत्रों में आपकी लहर दिखाई देती है? जिसको पूरे पूरे गुड़ क्षेत्र में और बीजेपी की लहर पूरे प्रदेश में दिखाई देती है और पूरे 24 में देश में भी दिखाई देंगी। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह जी, जिन्होंने अपने दौरे के दौरान हमसे बातचीत की और बातचीत करके हमने उनसे चुनावी राजनीतिक माहौल को लेकर के चर्चा की, चुनावों में कैसा फैसला आने वाला है इस बात को लेकर के चर्चा की। उम्मीद करते हैं यह चर्चा आपको पसंद आएगी। कैमरामैन सूरज के साथ मैं अनुपम अनूप, नमस्कार, धन्यवाद।